विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बूथ मजबूती पर फोकस कर रही है। पार्टी उन 6000 बूथों पर नजर रखे हुए है जहां उसे सबसे कम वोट मिले हैं। ये बूथ ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में है। ऐसे में पार्टी ने इनकी मजबूती का जिम्मा पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपा है। दरअसल इन बूथ की मजबूती के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान भी चलाया गया, जिसमें सांसद और विधायक से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक जुटे। लेकिन भाजपा को बूथों पर कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके चलते पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए इन इलाकों में भाजपा की स्थिति आने वाले चुनाव में मजबूत करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। मोर्चा का मानना है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से मुस्लिम वोट बैंक भाजपा से जुड़ा है। अब अल्पसंख्यक और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता ही मोर्चा संभालेंगे। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में प्रदेश और केंद्र से जुड़े मुस्लिम नेता न केवल दौरा प्रवास करेंगे, बल्कि पार्टी से जुड़े कई बड़े कार्यक्रम भी इन क्षेत्रों में ही करवाए जाएंगे।